hello everyone my name is Rimpu Sambria and welcome to my channel guys today we are going to understand a story named a different kind of school so without any delay let's start the story tells about a different school that teaches and develops ethics in students apart from the teaching syllabus

ना सिर्फ उनका सिलेबस पढ़ाते हैं बल्कि उनमें मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स को भी बढ़ावा देते हैं एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ टू एक्सपीरियंस अ डे एज अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फेसिस और हर एक बच्चे को एक ना एक दिन एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के रूप में अपने आप को उस दिन गुजारना पड़ता है और इस स्कूल में एम्फिस दिया जाता है कि हर बच्चे में एक एजुकेशन इम्पार्ट हो कि वो डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने द नेरेटर हैड हर्ड अ लॉर ऑफ़ गुड थिंग्स अबाउट मिस बीम एंड हर स्कूल मिस बीम वॉज नोन फॉर यूजिंग सिंपल टीचिंग मैथड्स इन अ परफेक्ट वे द नेरेटर विजिटेड द स्कूल ही पोस्ट सम क्वेश्चन टू द टीचर She told him that she taught nothing special but simple calculations and writing. The boys and girls were taught how to do things independently without any help. Few things were read to them. Interesting talks were held to raise their interest. The main objective and aim of the school was to make students more thoughtful and responsible citizens. नेरेटर ने स्कूल के बारे में और मिस बीम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी मिस बीम जो कि वहाँ के हेड मिस्टर्स हैं उन्होंने वो जानी जाती हैं अपने सिंपल टीचिंग मेथड्स के लिए और वो सिंपल टीचिंग मेथड्स वो भी एक परफेक्ट वे में सो so, नरेटर स्कूल को विज़िट करता है वो स्कूल जाता है और वो कुछ क्वेश्चंस टीचर को पूछता है और वो कहती हैं कि वो कुछ स्पेशल नहीं कराती हैं बट सिंपल कैलकुलेशंस और राइटिंग जो कि नॉर्मल बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है वही करवाती हैं और जो बच्चे स्कूल में हैं द बॉयज़ एंड गर्ल्स उनको इंडिपेंडेंट होना कि वो बिना किसी की हेल्प के कैसे खुद सारे अपने काम कर सकते हैं ये उन्हें सिखाती हैं कुछ चीज़ें उन्हें सुनाई जाती हैं पढ़ पढ़ी जाती हैं उनके लिए दे आर रेड टू देम एंड बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें उनके साथ की जाती हैं कोई टॉपिक्स उठाए जाते हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव है और जो मेन एम है उस स्कूल का वो ये है कि हर एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा थॉटफुल और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने द नेरिट वेंट टू द स्कूल गार्डन्स विच व्यूटिफुली मेनटेंड दि ही नोटिस अ पोअर लिटल गर्ल बींग हेल्प्ड बाई अ बॉय ही ऑल्सो सॉ अ गर्ल With a crutch. He thought the one was blind and the other was lame. But Miss Beam explained that the school observes one blind, one lame, one deaf, one injured, and one dumb day for every child in a term. These activities make the children more thoughtful and concerned. The narrator. टीचर से बात करने के बाद स्कूल गार्डन की तरफ आगे गया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन किए गए थे वहाँ उसने नोटिस किया कि एक पुअर लिटिल गर्ल है जिसकी एक हेल्प बॉय कर रहा है चलने के लिए उसने देखा कि एक गर्ल है जो क्रच के सहारे से चल रही है

ब्लाइंड बन के एक दिन लेम बनकर एक दिन डेफ होकर और एक दिन किसी तरीके की चोट लगी हुई है ऐसे और एक दिन डम मतलब वो बोल नहीं सकता ऐसे उसे गुजारना पड़ता है एंड दीज एक्टिविटीज़ मेक द चिल्ड्रन मोर थाटफुल एंड कंसर्नड और उनके अकॉर्डिंग टीचर के अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज़ को करके एक बच्चा बहुत ज़्यादा थाटफुल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कंसर्नड हो जाता है ऑन द ब्लाइंड डे आईज़ वर बैंडेज ऑफ वन चाइल्ड एंड अदर चिल्ड्रन हेल्प द ब्लाइंड थ्रू आउट द डे ब्लाइंड डे वाले दिन जो आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और जो दूसरे चिल्ड्रन होते हैं वो उस बच्चे की पूरे दिन देखभाल करते हैं दिस गेम बिकेम अ ग्रेट लर्निंग फॉर बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स और ये जो गेम है दोनों को ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं जो ब्लाइंड बनता है उसे भी और जो उसकी हेल्प करते हैं उसे भी Thereafter, Miss Beam took the narrator to one of the bandaged girls. और उसके बाद Miss Beam उन्हें narrator को एक आँखों पर पट्टी बंधी हुई girl के पास लेकर जाते हैं The girl shared her feelings and learning with him. और वो girl अपनी feelings और अपने learning की आँखों पर पट्टी बांध के या ये सब चीज़ें करके उसने क्या सीखा वो share करती है narrator के साथ She related how she felt scared of being hit at every moment

और इस एक्सपीरियंस के बाद उस गर्ल की बात सुनने के बाद नैरेटर ने यह बात रियलाइज़ की कि अब जो लोग डिजेबल्ड होते हैं जैसे कि जो लोग देख नहीं सकते बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते उनकी तरफ नैरेटर का जो कंसर्न है उसका जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा बढ़ चुका है ही टोल्ड मिस बीम डैट ही वो सॉरी टू लीव हर स्कूल और मिस बीम को उसने बताया कि उस स्कूल से जाते समय उसे दुख हो रहा है क्योंकि उसे ये स्कूल इतना पसंद आया She felt happy to know that the system in her school was good and her teaching style and way of imparting values was marvellous or कि वो यहाँ से जाने पे सॉरी फील कर रहा है तो टीचर को मिस भीम को बहुत खुशी हुई कि उसके सिस्टम जिस तरीके से वो ये स्कूल चला रही है जो टीचिंग स्टाइल वो यूज़ कर रही है और बच्चों को जो वैल्यूज़ इम्पार्ट की जा रही हैं मॉरल वैल्यूज़ वो मावल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा सो दिस लेसन इज़ अ मैसेज अबाउट हाउ डूइंग सिंपल थिंग्स कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजियर इस लेसन से हमें एक मैसेज मिलता है कि छोटी छोटी चीज़ों को डूइंग सिंपल थिंग्स वो हमें हमारी लर्निंग को और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी बना सकती हैं लर्निंग वाइल डूइंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न डिफरेंट थिंग्स अगर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं तो हमें वो चीज़ें करके ही सीखनी चाहिए मोर ओव अदर देन लर्निंग रूटीन थिंग्स वी नीड टू मेक आरसेल्व्स अवेयर एंड कंसर्नड अबाउट आर एनवायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स और हम जो अपने रूटीन में चीज़ें करते हैं उसके अलावा हमें ऐसे भी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें हमारे एनवायरमेंट के बारे में कंसर्न करवाती हैं हमें अवेयर करवाती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हाउ वी कैन मेक चिल्ड्रेन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजनस किस तरीके से हम बच्चों को चिल्ड्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकें और एक बहुत अच्छा अवेयर सिटीजन बना सकें So, overall, the message of the story is love all, respect all. So, guys, this was our story, a different kind of school. I hope you understood and liked it. And if you did, kindly like, subscribe, and share this video with your friends. And also hit the bell icon so that you can be updated about the new videos. Now, I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye. Don't forget, Please subscribe.